आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। डोगर गांव चौकी क्षेत्र के गवली पलासिया गांव में एक युवती की लाश मिलने पर पुलिस द्वारा युवती के परिजनों को सूचित किया गया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध धारा 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया और शाम को ही पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद लोगों की भीड़ ने युवती के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया और मांग की है कि आरोपी को उनके हवाले कर दिया जाए, वे खुद आरोपी को मौत की सजा देंगे। पुलिस ने चक्का जाम कर रहे लोगों को समझाया, भीड़ द्वारा पथराव शुरू कर दिया। स्थिति संभालने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भीड़ द्वारा हिंसात्मक उपद्रव किए जाने पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों सहित भारी पुलिस बल तैनात है। तो एक शिकायत थाने में परिजनों ने की थी कि बच्ची का देहांत जो है करंट लगने से हुआ है। इस बात पर बच्ची का तुरंत पीएम कराया गया और पीएम कराने के बाद यहाँ थाने में परिजनों की रिपोर्ट पर तुरंत ही 302 का एक मामला दर्ज कर लिया गया था। 302 का जब मामला दर्ज कर लिया गया, इसके तुरंत बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और आरोपी से पूछताछ चल रही थी। यहाँ थाने में एडिशनल SP, SDOP महू, SDM महू सभी लोग यहाँ फोर्स के साथ उपस्थित थे। तभी काफ़ी संख्या में यहाँ कुछ लोग आए और आके उन्होंने पहले तो इस बात के लिए उनकी ये रही कि इसमें मामला दर्ज किया जाए, तो इसमें उन्हें जब बताया गया कि इसमें मामला दर्ज हो चुका है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो इसके बाद इनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों ने, उस भीड़ में जो कुछ उपद्रवी तत्व थे, उन्होंने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि आरोपी को सजा हम खुद देंगे और चौकी में घुसने का प्रयास किया कि हम आरोपी को निकाल के इसमें उनको सजा देंगे। इस बात पर पुलिस बल और वहाँ उपस्थित सभी मजिस्ट्रियल अधिकारियों द्वारा उन्हें रोका गया और भारी पथराव चौकी के ऊपर हुआ, आत्मरक्षार्थ हवाई फायर किया गया। दुखद घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और अभी उनका PM चल रहा है MYS में और संपूर्ण घटनाक्रम को लेकर इसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए। शांति बनी हुई है सर? अभी शांति बनी हुई। सर ये 300 मतलब क्या मारपीट वाला मामला था या क्या था? इसमें जो बच्ची की मृत्यु है वो ये करीब 22 साल की है और इनकी जो मृत्यु है वो करंट लगने से होना बताया गया है। हालांकि अभी PM रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है, जो PM रिपोर्ट मिलेगी तो और हमें इसमें स्थितियाँ स्पष्ट होंगी, लेकिन फिर भी बिना PM रिपोर्ट प्राप्त किए हुए भी परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर भी हमने 302 का मामला था। करंट कहाँ लगा था? ये हाथ में और शरीर में कहीं ऊपर करंट में एग्जैक्टली, चूंकि PM रिपोर्ट देखने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। आरोपी बनाया सर उसका क्या मतलब क्या रोल था? मतलब वो ऐसा बताया जा रहा है कि जो बच्ची है वो उनके साथ ही थी। हालांकि इसमें डिफरेंट वर्शन है, अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। घर वाले कुछ अन्य बात कहते हैं और ये लड़का कुछ अन्य बात कहता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम स्पष्ट रूप से बता पाएंगे इसमें क्या स्थिति है। दोनों पक्ष कहाँ के रहने वाले हैं, इनके आसपास के? अब इसमें जो बिटिया वाला पक्ष है ये मंडलेश्वर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वासली कुंडिया करके गाँव है वहाँ का, और जो लड़का है, जो आरोपी लड़का है, वो यहीं गवली पलासिया करेंगे। तो लड़की क्या है या कितने दंग रहती थी जहाँ घटना हुई? ये अभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें डिफरेंट वर्शन है, लड़का हमें कुछ और कहानी बता रहा है और लड़की के परिवार वाले अलग कहानी बता रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं। सर चार थाना क्षेत्र में 144 लगी हुई यहाँ पर, अभी एकदम शांति है और वो एहतियातन तौर पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े लिए लगाई।